ने सन 1026 में डिमोलिश किया था, उसका अब रिनोवेशन भी हो गया है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है समुद्र के किनारे भी बन चुकी है। तो वहाँ का भी कंट्रोलर रहा हूँ, शांता क्रूज एयरपोर्ट इंटरनेशनल का वहाँ का भी रहा हूँ। तो इस जानकारी के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जैसा कि इन्होंने श्रावस्ती के विषय में कहा कि अभी अभी कुशीनगर में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, तो श्रावस्ती हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और इस सरकार ने, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जितने बौद्ध स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो कुशीनगर हो, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, ये जितने भी तीर्थ स्थान हैं, ये हमारी सरकार ने बुद्धा सर्किट के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। और ख़ासकर जो कुशीनगर का हवाई अड्डा है, जिसकी इस समय 22 तारीख को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है, उसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में जितने भी हवाई अड्डे हैं, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट रनवे, 3.2 किलोमीटर उस रनवे की लंबाई है और 45 मीटर उसकी चौड़ाई है, जहां पर आपका बोइंग 737 और एयरबस भी लैंड कर सकती है, इतना वो हवाई अड्डा विस्तार हो चुका है। और वो जो है श्रावस्ती से भी जुड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर ये सब पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ है कि ये इम्प्लाइड फैक्ट है कि जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, वो ऑटोमेटिकली मेट्रो स्टेशन से जोड़े जाएंगे, तो इसलिए ये बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आता है। और हमारी ये आशा ही नहीं है, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि सरकार का एटीट्यूड है टूरिज़्म के डेवलपमेंट का, ये बुद्धा सर्किट जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। और ये अभय रतन बौद्ध जी ने जो हमारे महामहिम रामनाथ कोविंद जी को जो चिट्ठी लिखी है, इसका जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो जाएगा। और श्रावस्ती में जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के साथ ही साथ बुद्धा सर्किट में तो ये मिला ही हुआ है, तो ये मेट्रो स्टेशन से भी जुड़ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये यूपी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। और जहाँ पर एट ए टाइम हमारे 8 एयरक्राफ्ट, जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, जैसे बोइंग 737 है, एयरबस है, ये वहाँ पार्किंग का प्रोविज़न भी होगा। और श्रावस्ती में जो 100 कमरों का उन्होंने एक इंटरनेशनल गेस्ट हाउस बनाने की बात कही है, वो भी कार्यान्वित हो जाएगी। तो जहाँ तक मुझे एविएशन का ज्ञान है, क्योंकि हम लोग एविएशन कंट्रोलर की होने की वजह से हम लोगों का ज्यूरिडिक्शन जो है वो 45,000 फीट एबव मीन सी लेवल होता है, तो उस हिसाब से ये ज़रूरी है कि ये बुद्धा सर्किट, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ बनेगा वहाँ मेट्रो स्टेशन ज़रूर बनेगी। और हमारे जितने भी बौद्ध स्थान हैं, ये टूरिस्ट प्लेस ही अकेले न रह करके ये मेट्रो स्टेशन से भी जुड़ जाएंगे, और जिससे और बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारे लोगों को भी इसकी प्रगति होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।